Good morning students, welcome to environment class standard 4. We will continue our 4th chapter, a story, the story of Amrita. Amrita ki story ke baare mein, to Amrita that means hame Amrita ki story nahi hai, Amrita girl ke baare mein koi story nahi hai. Yahan pe kya hai ki ek tree hai, khejri tree, to uske baare mein aur wahan pe Amrita rehti hai. Repeat kar jaati hu starting story, ye jo hai ye story less
यहाँ पे शायद बोर्ड की लास्ट लाइन आपको नहीं दिख रही होगी तो मैं रिपीट कर जाती हूँ सारा। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इफ पीपल कट ट्री। पीपल अगर ट्री को कट कर देंगे तो कौन से सिचुएशन में हम पड़ जाएंगे? तो पीपल विल हैव लेस ऑक्सीजन टू ब्रीथिंग, देयर विल बी लेस रेन एंड मोर वाटर प्रॉब्लम। बारिश भी कम हो जाएगी, पानी की प्रॉब्लम भी हो जाएगी और ऑक्सीजन भी हमें कम मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्पेशल फॉर द वुड ऑफ केजरी ट्री। केजरी कौन सी स्पेशलिटी है उसके वुड की? तो इट वुड इज सच दैट इज विल नॉट बी अफेक्टेड बाय इंसेक्ट। वो किसी भी इंसेक्ट से अफेक्टेड नहीं होते हैं, उसे कोई भी कीड़े नहीं लगते हैं, तो वो वुड बहुत ही अच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एनी टू पॉइंट अबाउट केजरी ट्री। तो केजरी ट्री के कोई भी टू पॉइंट लिखो। तो फर्स्ट है, केजरी ट्री इज फाउंड नियरली इन डेजर्ट एरिया। डेजर्ट एरिया में पाया जाता है। इट कैन ग्रो विदाउट मच वाटर, और पानी के बिना भी रह सकते हैं। फिर तीसरा पॉइंट लिखना है तो भी आप लिख सकते हो कि बी यूज केजरी ट्री बार एज अ मेडिसिन। मेडिसिन के तौर पे उसकी बार यूज करते हैं। ओके, फिर फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट कैन बी डू टू कीप अवर एनवायरमेंट क्लीन। हमारे एनवायरमेंट को क्लीन रखना है तो फर्स्ट चीज क्या करनी है? तो वी शुड मोर प्लांट ट्रीज। बहुत सारे ट्रीज हमारे आसपास हमें लगाने चाहिए। नेक्स्ट है, वी शुड टेक केयर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, और उसकी केयर भी करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज हमने प्लांट लगा दिया। ओके, प्लांट आज हमने लगा दिया फिर उसकी केयर नहीं करोगे तो वो सूख के मर जाएगा। वैसे ही हम अगर एनिमल्स है, हमारे आसपास कोई एनिमल्स है, उसे कोई चोट लगी है तो हमें उसे उसके पास जाने में डर लगता हो, बट अभी क्या होता है, एनिमल्स हेल्पलाइन होती है तो उसके ऊपर कॉल करोगे तो एनिमल्स के डॉक्टर आएंगे और उसकी केयर कर दे। कभी कभी क्या होता है कि हम तो ह्यूमन है फिर भी हम व्हीकल से रास्ता देख के क्रॉस नहीं करते तो एक्सीडेंट हो जाता है। वैसे ही एनिमल्स के भी एक्सीडेंट हो जाते हैं, उसके पैर में चोट लगी होती है, कुछ ना कुछ लगा होता है, बट हम लोग उसे देखते नहीं, वो बेचारे तड़पते रहते हैं बट कोई उसकी केयर नहीं करता है। तो अभी आपको खुद जाके उसको उठाना या ऐसे नहीं बोल रहे हो, बट आपको क्या करना है, एनिमल हेल्पलाइन होती है, एनिमल की जो सेवा करते हैं हेल्प करते हैं उन लोगों को आप कॉल कर दोगे तो वो लोग आएंगे और एनिमल की हेल्प करेंगे, उसकी उसको दवाई देंगे, इंजेक्शन देंगे और उसे ठीक करेंगे। फिर नेक्स्ट है, वी लास्ट वाली लाइन मुझे लगता है कि आपको नहीं दिख रही होगी। तो वी शुड नॉट कट ट्रीज एंड नॉट किल एनिमल्स। तो अभी ये दोनों हम क्या करते हैं कि सबको दिखाने के लिए, सबको क्या करना होता है, आजकल ये एक नया ट्रेंड चल रहा है कि कोई भी चीज किसी की भी हेल्प करो तो फोटो खींचा कर रहते हैं ना, तो फोटो खींचा के व्हाट्सएप पे रखते हैं, फेसबुक पे रखते हैं कि आज हमने ये किया, आज हमने वो किया। तो आपने प्लांट लगा दिया, प्लांट को लगा के फिर फोटो खींच ली और रख दिया फेसबुक पे, तो आप शो कर रहे हो अपने आपको, बट वो चीज क्या होती है कि आप उसी चीज को फिर ध्यान नहीं रखोगे, या फिर ऐसा हो जाता है कि वो बड़ा हो रहा है फिर आपको लग रहा है कि ये तो अभी अच्छा नहीं लग रहा है तो फिर आप उसे कट कर दें, तो वो चीज़ अच्छी नहीं होती है। तो वो भी हमें उसको प्लांट्स को कट नहीं करना चाहिए और एनिमल्स को भी मारना नहीं चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि एनिमल से हमें डर लगता है, हमें डर लगता है, मुझे भी डर लगता है सारे एनिमल्स से। मेरे सामने अगर डॉग आ जाए ना तो मैं यहाँ खड़ी नहीं रहूँ, मैं भाग जाऊँ, तो वो मुझे बहुत डर लगता है, बट ऐसा नहीं कि हम उसे मार दें, तो वो चीज़ हमें नहीं करनी है। हमें डर लगता है एनिमल्स, ऐसा नहीं कि हमें उसे मारना चाहिए। ओके, तो वो चीज़ हमें कभी नहीं करनी है। फिर अभी हम नेक्स्ट एक क्वेश्चन है वो मैं करा लेती हूँ। आपको होमवर्क में शॉर्ट नोट लिखनी है किसकी? केजरी ट्री के बारे में। यहाँ पे एक बहुत अच्छा साइट है वो मैं करा देती हूँ। क्वेश्चन है हमारा, ग्रो द ट्री यू लाइक मोस्ट, ग्रो द ट्री यू लाइक मोस्ट।
waste and it reuses and list any three uses. Okay, आपको यहाँ पे कोई भी एक tree grow the tree you like most. आपको जो tree बहुत पसंद है वो उसके बारे में लिखना है, तो आप mango tree के बारे में लिख सकते हो, या फिर मैं यहाँ पे coconut tree के बारे में लिख रही हूँ, तो मैं पहले यहाँ पे coconut tree grow कर देती हूँ. coconut tree एकदम लंबा सा होता है ना. उसकी बहुत सारी मतलब यहाँ वो स्ट्रेट लंबा लंबा होता है, बहुत सारी यहाँ पे जैसे मैंगो ट्री को नीचे नीचे से ब्रांचेस स्टार्ट हो जाती है, वैसे कोकोनट ट्री की नहीं होती है. उसको हो गया. तो ये मैंने 3 पॉइंट लिखे कि ग्रो द